स्टार्ट। शिक्षा के माध्यम के संबंध में इस सदन में कई सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय तथा सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि शिक्षा कई माध्यमों के द्वारा दी जा सकती है। जितनी विचारधाराएं शिक्षा के माध्यमों के संबंध में हैं, चाहे प्रकृति का सौंदर्य हो, चाहे ललित कला हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे श्रम और चाहे भाषा हो, उन सभी माध्यमों का इस्तेमाल करके हमें अपने विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे उनके व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हो सके। इन सब माध्यमों में भाषा का भी एक अपना महत्व है, लेकिन अफसोस है कि आजकल हम भाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाकर चले, जिसका नतीजा यह हुआ कि केवल किताबी शिक्षा ही हम अपने बच्चों को दे पाए और केवल किताबी शिक्षा से न उनके व्यक्तित्व का ही संपूर्ण विकास हो पाता है और न हम अपनी शिक्षा को ही अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भाषा के अलावा अन्य जितने माध्यम शिक्षा के हैं, उन सब माध्यमों को हमारी शिक्षा प्रणाली में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, दुनिया के सारे शिक्षा शास्त्री और हमारे कमीशन में भी जो शिक्षा शास्त्री थे, उनकी भी यही राय थी कि शिक्षा का माध्यम अगर कोई भाषा हो सकती है तो वह मातृभाषा ही हो सकती है। मातृभाषा के अतिरिक्त अगर अन्य किसी भाषा में शिक्षा दी जाती है तो वह शिक्षा अच्छी नहीं कही जा सकती। उसमें बच्चों की शक्ति की बहुत हानि होती है। जो शिक्षा हम मातृभाषा के माध्यम से 5 साल में दे सकते हैं, वह दूसरी भाषा के माध्यम से हम 15 साल में नहीं दे सकते हैं। यदि वह बच्चे की मातृभाषा नहीं है तो उस भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे को बहुत अधिक अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी तथा अधिक समय भी देना पड़ेगा, जबकि मातृभाषा के माध्यम से वह बहुत कम समय में और बहुत कम मेहनत से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसलिए आज जो लोग कहते हैं कि शिक्षा माध्यम अंग्रेजी रखी जाए,
वह शिक्षा के बहुत बड़े दुश्मन है, क्योंकि मातृभाषा को छोड़कर अगर अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा का कभी भी विकास नहीं हो सकता।